नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सलोनी शर्मा। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन में। बस्ती जिले में इन दिनों डाकू गिरोह के भय से लोग भयभीत हैं। यह गिरोह बकायदा लूट से पहले पोस्ट चस्पा कर 10 दिनों में भयानक लूटपाट की चेतावनी देता है। बस्ती जिले के धुरौली में वाल्टरगंज थाना क्षेत्र में डाकू गैंग के पोस्टर से हड़कंप मचा है। रुधौली थाना के विशनपुरा गांव में कई जगह पर पोस्टर लगाकर 10 दिनों में भयंकर लूटपाट की चेतावनी जारी की गई है। पोस्टर में लिखा गया है कि विशनपुरा गांव में हमारी टीम द्वारा भयानक डाका डाला जाएगा। तुम लोग कितना रात में जगोगे, ये हमारी चेतावनी है। तुम सबके अंदर जितनी ताकत है लगा लो। वहीं वाल्टरगंज थाना में कोडरी गांव में भी इसी तरह का पोस्टर डाकू गैंग के नाम से चस्पा किया गया है। पोस्टर में लिखा गया है कि आने वाले 10 दिनों में हमारी टीम द्वारा चुनिंदा घरों में भयानक लूटपाट किया जाएगा। तुम सबके अंदर जितनी ताकत हो लगा लो, हम सब तुम्हारे गांव को लूट कर रहेंगे। लूट के पोस्टर देखकर गांव वाले भयभीत हैं। गांव वाले लूट के डर से रात रात भर पहरा देने को मजबूर हैं। देखिए, दरअसल जब भी कोई इस तरीके की गतिविधियां होती हैं या इस तरीके की एकाध घटनाएं होती हैं तो कुछ खुराफाती तत्व अपने तुच्छ स्वार्थ के लिए भी समाज में कुछ अफरा तफरी की स्थिति फैलाने के लिए अफवाह फैलाने का प्रयास करते हैं। हम आपके माध्यम से समस्त बस्ती के वासियों से अपील करना चाह रहे हैं, उनसे गुजारिश करना चाह रहे हैं कि नंबर एक तो ये है कि पुलिस आपकी सुरक्षा के लिए सदैव तत्पर है। हमारे जनपद का जो कंट्रोल रूम का नंबर है 9454401933, ये हर व्यक्ति के जनपद बस्ती के हर व्यक्ति के मोबाइल में नंबर फीड होना चाहिए। के अयोध्या आगमन को लेकर बाराबंकी के नगर पंचायत जैदपुर के बड़ी बाजार भाजपा नगर अध्यक्ष के प्रत्याशी रहे अबू उमेर अंसारी के आवासीय कार्यालय पर भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा की एक मीटिंग की गई, जिसमें पूर्व भाजपा जिला अध्यक्ष शशंक कुशमेश और अल्पसंख्यक जिला अध्यक्ष मोहम्मद आमिर खान जैदपुर मोहम्मद तालिब और हरक के अल्पसंख्यक मोर्चे के मंडल अध्यक्ष मोहम्मद अनस मौजूद रहे। इस मौके पर शशंक कुशमेश ने अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 दिसंबर को अयोध्या आ रहे हैं, जिसको लेकर अधिक से अधिक संख्या में पहुंचने की अपील की गई है। इस मौके पर पूर्व भाजपा जिला अध्यक्ष ने उपस्थित लोगों को सरकार की सभी प्रकार की योजनाओं को भी गिनवाया। इस अवसर पर सभासद निजामुद्दीन शाह, सभासद मोहम्मद आरिफ नदीम जैद, राजदार रिजवी मोहम्मद अजीम जुनैद अंसारी सहित भारी संख्या में लोग मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश की नगर अयोध्या धाम में पुरुषोत्तम श्रीराम के दिव्य और भव्य मंदिर निर्माण में आयोजित होने वाले बहुप्रतीक्षित प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में बुलावे के लिए नगर में महिला भक्तों ने कलश शिरोधारण कर भव्य शोभा यात्रा निकाली। जय जय श्री राम के नारों से नगर गुंजमान हो गया। भक्तों का जोश और उल्लास देखते ही बन रहा था। कार्यक्रम में अलीगंज विधायक सतपाल सिंह राठौर ने यात्रा पूर्ण होने के बाद भगवान श्री राम के चित्र की भक्तजनों के साथ आरती उतारी। कार्यक्रम का आयोजन विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने किया। 101 महिला भक्तों के साथ विहिप के नेतागण और स्थानीय भाजपा के नेता, जिनमें पूर्व पालिका अध्यक्ष प्रदीप गुप्ता, विनोद आर्या, मुन्ना लाल गुप्ता, रामविलास मुनीन, सूर्यकांत गुप्ता, सौरभ जी, विभाग कार्यवाह महेश, जिला कार्यवाहक अभिषेक गोपाल शर्मा, मुनि देवी राठौर सहित बड़ी संख्या में नागरिकों ने प्रतिभाग किया। यात्रा का शुभारंभ बाल विद्या मंदिर से होकर नगर भ्रमण करते हुए श्री राम शाला में संपन्न हुआ। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री आशीष पटेल आज एक दिवसीय दौरे पर भारतीय जनता पार्टी कार्यालय सुल्तानपुर पहुंचकर कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और अयोध्या में प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर रणनीति बनाई। अयोध्या में श्रीराम मंदिर बनकर तैयार हो रहा है, उसी क्रम में अयोध्या इंटरनेशनल एयरपोर्ट का भी निर्माण हो चुका है। साथ में सड़कों की चौड़ीकरण, रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन और पार्किंग की व्यवस्था की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 दिसंबर को अयोध्या इंटरनेशनल एयरपोर्ट का लोकार्पण करेंगे। उसी क्रम में आज
एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे उत्तर प्रदेश सरकार में आशीष पटेल ने बताया कि 50,000 से ज़्यादा कार्यकर्ता सुल्तानपुर से अयोध्या के लिए रवाना होंगे। वहां पर मोदी जी का स्वागत कर भव्य श्री राम का श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी का अयोध्या में एक बड़ा लोकार्पण का कार्यक्रम है, जिसमें उन्होंने इस पूरे क्षेत्र को, अयोध्या परिक्षेत्र को, एक हवाई अड्डा, नई ट्रेनें और बहुत सारे और भी योजनाएं हैं उनका लोकार्पण और शिलान्यास करने जा रहे हैं। उस अवसर पर हम सब NDA के जो लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी, निषाद पार्टी, अपना दल, सुभाषपा के सभी कार्यकर्ता मिल करके उसको एक नई जोश के साथ प्रधानमंत्री जी का स्वागत करने के लिए जाना चाहते हैं। कानपुर नवाबगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत देर रात सोशल मीडिया पर समाज और जाति सूचक गालियों का एक वीडियो वायरल होने से हड़कंप मच गया। वहीं एक विशेष समाज और जाति के लोगों का आक्रोश फूट पड़ा और सैकड़ों की संख्या में एकत्र होकर थाने का घेराव कर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई। युद्ध एकलव्य सेना के प्रदेश अध्यक्ष श्रवण कुमार निषाद ने बताया कि आदित्य ठाकुर, बलविंदर और राज यादव ने निषाद समाज के लोगों पर जाति सूचक गालियां दी हैं, जिससे निषाद समाज में भारी आक्रोश व्याप्त है। निषाद समाज इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। वहीं नवाबगंज पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और दो अभियुक्त की तलाश शुरू कर दी है। प्रकरण ये है कि आदित्य ठाकुर, बलविंदर और राज यादव, ये लोग मिलकर सामाजिक तौर पर हमारे निषाद समाज को गालियां दी हैं, भद्दी भद्दी, और कुछ लोगों को जान से मारने की धमकी दी है। और इसके साथ साथ पूरे प्रदेश प्रशासन और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को भी भद्दी भद्दी गालियां दी है और खुला चुनौती दी है। तो हमारी मांग है कि हमारे समाज को इन्होंने सामूहिक तौर पर, धार्मिक तौर पर आहत किया है और गालियां दी है, अपमानित किया है, और बड़े दो समूह, दो जातियों के बीच में दंगा फैलाने का इन्होंने प्रोत्साहन जो दिया है, ये एक बहुत बड़ा कुकृत्य है। और हम चाहेंगे कि इन पर रासुका देशद्रोह का केस लगे और छोटी धाराओं में कार्रवाई करके इन लोगों को प्रशासन या शासन द्वारा और सह देने का कार्य किया जाएगा। कासगंज जनपद के SP सौरभ दीक्षित अचानक कोतवाली सोरो क्षेत्र की पुलिस चौकी नगारिया निरीक्षण करने पहुंचे, तभी इसी दौरान SP अपनी गाड़ी छोड़कर कस्बा सोरो में चल रहे ऐतिहासिक मार्कशीट मेले में महिलाओं की सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए एंटी रोमियो टीम की गाड़ी से शहादों को चेक किया, तो इसी दौरान दो संदिग्ध सुहादों को दबोच लिया गया, जिन्हें कोतवाली सोरो भेजकर कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रतीप जैन आदित्य ने रेलवे क्षेत्र में संविदा कर पर कार्य कर रहे मजदूरों की एक और लड़ाई को जीत लिया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री के द्वारा रेलवे क्षेत्र में ठेकेदारी पर संविदा कर्मचारी दिए गए थे, जिन्हें बाद में ठेकेदार के द्वारा हटा दिया गया था, जिससे इन संविदा कर्मचारियों के परिवार के सामने भूखे मरने की नौबत आ गई थी। प्रदीप जैन आदित्य के द्वारा अधिकारियों से और ठेकेदारों से बातचीत करने के बाद इन संविदा कर्मचारियों की बात को मानने के लिए तैयार कर दिया। इसके बाद ठेकेदारों ने इन मजदूरों को दोबारा काम पर रख लिया और अब ये मजदूर पहले की भांति संविदा पर रेलवे क्षेत्र में कार्य करते रहेंगे। इसके अलावा उनके रुके हुए प्रोविडेंट फंड भी इनको दिए जाएंगे, जिस पर इन मजदूरों ने खुशी का इजहार किया है और पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन आदित्य का आभार प्रकट किया। अयोध्या के श्री राम मंदिर से रवाना हुई अक्षत कलश यात्रा का लक्ष्मी नारायण मंदिर नारायणगढ़ पहुंचने पर भव्य और गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। लक्ष्मी नारायण मंदिर परिसर में प्रखंड के विभिन्न गांवों से पारंपरिक सांस्कृतिक परिधानों में सज धज कर एकत्रित हुई महिलाएं, पुरुष, युवक, युवतियां, जनप्रतिनिधियों, स्वयंसेवक संघ, विहिप, बजरंग दल और स्थानीय सैकड़ों लोगों ने लक्ष्मी नारायण मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद अक्षत कलश यात्रा को जय श्री राम के नारों से गुंजयमान उद्घोष के साथ लक्ष्मी नारायण मंदिर से परखाल तिहारा, SBI मार्केट, GIC गेट, जीत सिंह मार्केट से होते हुए मुख्य बस स्टैंड तक
कतारबद्ध श्रीराम मंदिर अक्षत कलश झांकी निकाली, जहां से ये कलश यात्रा आगे के लिए रवाना हो गई। इस दौरान लोगों ने अपने छतों पर खड़े होकर अक्षत कलश यात्रा पर पुष्प वर्षा कर जय श्री राम के नारे लगाए। हरिद्वार में ऑल इंडिया ट्रांसपोर्ट वेलफेयर वे ऑटो विक्रम महासंघ की ओर से एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें फिटनेस सेंटर को प्राइवेट में देने की समस्या और सीएनजी परमिट खोलने को लेकर चर्चा की गई। सभी यूनियन के पदाधिकारियों ने अपने अपने विचार रखे। हरिद्वार के बहादुराबाद में प्राइवेट फिटनेस सेंटर खोले जाने के विरोध में, नए ऑटो टेम्पो परमिटों के विरोध में सभी परिवहन व्यवसायियों को एकजुट होकर अपने व्यवसाय को बचाने के लिए शीघ्र ही जनवरी के पहले सप्ताह में पूरा जनपद हरिद्वार में सभी कमर्शियल वाहनों का चक्का जाम करने पर भी सहमति है, जिससे सभी टेम्पो ट्रेवल टैक्सी बसों ट्रकों आदि के चालक परिचालक मालिकों द्वारा चक्का जाम का समर्थन करने की बात करते की गई। साथ ही सरकार द्वारा चुनाव के समय हमारी गाड़ियों को जबरन पकड़ कर रख कर खड़ा कर दिया जाता है और चुनाव में चलाया जाता है, जिसे हमें कोई भी भुगतान नहीं किया जाता है, जिसको लेकर ये बैठक का आयोजन किया गया। ज्योतिषी पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती अपने उत्तराखंड दौरे के पहले दिन हरिद्वार पहुंचे, जहां से वो शरदकालीन चारधाम यात्रा के लिए प्रस्थान करेंगे। वहीं उत्तर प्रदेश और बिहार के हिंदी भाषाओं को लेकर दयानिधि मारन के विवादित बयान के बाद प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि दयानिधि को अहंकारी बताया, साथ ही कहा कि एक तरफ तो देश का प्रधानमंत्री साफ सफाई करने वाले लोगों के पैर धोते हैं, तो वहीं अहंकारी दयानिधि मारन ऐसे लोगों के प्रति ऐसी मानसिकता रखते हैं, इससे उसकी मानसिक स्तर का पता चलता है। शंकराचार्य शीतकालीन यात्रा के लिए उत्तराखंड के प्रवास पर हैं और गंगा पूजन करने के बाद शीतकालीन चारधाम यात्रा पर निकलेंगे। अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने कहा कि वो माँ गंगा का पूजन करके अपनी यात्रा की शुरुआत करेंगे। ये यात्रा माँ गंगा की पूजा करके शुरू होगी और माँ गंगा की पूजा के बाद ही समाप्त होगी। ये यात्रा 7 दिन की रहेगी और इस यात्रा में जिस तरह के अनुभव उन्हें प्राप्त होंगे, उसके बाद वो अनुभवों को साझा करेंगे और आने वाले समय में शीतकालीन यात्रा को लेकर लोगों को प्रेरित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा और उत्तराखंड की सरकार द्वारा प्रचार प्रसार किया जाता है कि वो वेदर रोड बनाकर तैयारी की गई है, वो किसी भी समय किसी भी परिस्थिति में और किसी भी मौसम में उसका उपयोग किया जा सकता है। इसी के साथ पहले की परिस्थितियों में और अब की परिस्थितियों में जमीन आसमान का अंतर है, इसलिए वो इस बार शीतकालीन यात्रा कर रहे हैं। गुरुवार को जहां एक और पूरे देश में कांग्रेसी कार्यकर्ता पार्टी के स्थापना दिवस को धूमधाम से मनाए, तो वहीं हरिद्वार कांग्रेस के कार्यकर्ता अपने कार्यालय के लिए संघर्ष करते दिखे। महानगर कांग्रेस कार्यालय का कथित रूप से ताला तोड़ने के खिलाफ कार्यालय के बाहर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के उपरांत कांग्रेसियों ने नगर कोतवाली का भी घेराव किया, साथ ही आरोपियों की गिरफ्तारी तथा धरना प्रदर्शन आंदोलन जारी रखने की चेतावनी दी। कांग्रेस का आरोप है कि 19 दिसंबर को अमीन के आने से पूर्व ही दूसरे पक्ष ने कार्यालय का ताला तोड़कर उस पर कब्जा कर लिया। स्थापना दिवस के मौके पर कांग्रेस ने हरिद्वार में कोतवाली पर प्रदर्शन किया। पिछले दिनों हरिद्वार कांग्रेस के ऑफिस को कोर्ट के ऑर्डर पर खाली कर दिया गया था, हालांकि कांग्रेसी नेता ऑफिस पर कब्जा किए जाने का आरोप लगा रहे हैं। कांग्रेस के प्रदर्शन में पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत भी मौजूद रहे। कांग्रेसी नेताओं ने पुलिस से मामले में कार्रवाई करने की मांग की है। हरक सिंह रावत ने कहा कि पुराना कांग्रेस कार्यालय वापस लेने के साथ साथ हरिद्वार में नया कांग्रेस ऑफिस भी बनाया जाएगा, जिसके लिए उन्होंने अपनी ओर से 5,11,000 रुपये देने की घोषणा की। साथ ही हरक सिंह रावत ने भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा ने भ्रष्टाचार के जरिए सभी जगह पर अपने कार्यालय बनाकर खड़े कर दिए हैं। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।